सरकार गरीबों के लिए और गांव के विकास के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन सरकार के ही व्यवस्था में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि इसके कारण वो पैसे गरीबों के लिए और गांव के विकास के लिए पहुंचते ही नहीं है। दरअसल इसी साल में इसी तरह की घटना हमारे कानपुर तालुका के खोतीगांव पंचायत में घटी है। सरकार ने 13 काम के लिए 60 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उनमें से 9 कामें सिर्फ 2 महीने में पूरी से पूरी बह गई है। खोतीगांव पंचायत सुमार 60 लाख सुमार काम करवाई 13 काम, तितुतली 4 काम साधारण से जाले हैं, 9 काम सामकी फालतू जाले हैं। तितुतला एक जो गटार जो है तो सामको 2 महीने भीतर उड़न गला सर। जेना या गटारा वाले जेना कॉन्ट्रैक्टर विचारले तेना कॉन्ट्रैक्टर सामपा लगलो तुमको जाते करून पा लगलो इंजीनियर है कि सांगले इंजीनियर का रिस्पॉन्स नहीं आलो। ये अवड़ी के इलाके में कॉन्क्रीट का गटार बनाने के लिए सरकार ने पैसे दिए थे, पर यहाँ नदी और नालों के पत्थर से गटार बनाया है और ये सिर्फ कई दिनों में ही बह गया है। यहाँ के पंसुलमल इलाके में लगभग 14 लाख रुपए खर्च करके ये रास्ता बनाया था, पर आज उसका पूरा नामो निशान मिट गया है। यहाँ जितनी भी सरकार की कामें हो चुकी है वो सब उपयोग की नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए ही हुई है ऐसा लगता है। अंडर आई माहिती मागली बीडियो जेना माहिती मिली तेना कळले की हांगा खूब भ्रष्टाचार झाला। जी 60 लाखाची काम जी हा ती 30 लाखा सुमार केल्या काय दिसता त्यांच्यानी पहिले झाल्यात। त्यानंतर हांवें भ्रष्टाचार खात्याक कंप्लेन केली त्यांचेर, कारण जे कितलो खोतीगांव जो भ्रष्टाचार झाल्लो आहा तेजे वेरिफिकेशन करून गेले ते, पण त्याचो अहवाल अजून पर्यंत त्यांच्यानी दिल्लेलो ना। आणि जितल्या पण कोणी भ्रष्टाचार करून खायला चोरून खायला पैसो त्यांचेर कारवाई करून पैसो रिकवरी करून घेवचो, निदान हेज्या मुखार तरी कोण भ्रष्टाचार करपाक भितरे खुबूच आणि खोतीगांवची उदरगत जातली। सरकार की अपने प्रशासन पर और इस तरह से चलते हुए भ्रष्टाचार पर जब तक लगाम नहीं रहेगी तब तक ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा और गांव और गरीबों का विकास कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए गोवा के भ्रष्टाचारी विरोधी डिपार्टमेंट ने यहां जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप भी इस नंबर पर कॉल करें और भ्रष्टाचार के विरोध के खिलाफ हमारे लिए सहायता करें। इंडिया 100 के लिए मैं देविदास गांवकर गोवा से।